सब्जियां भी काट ली, कपड़े भी सिल लिए। हाँ, अब एक काम करती हूँ, रिश्तेदारों से बात कर लेती हूँ। हाँ राधा, कैसी है? हाँ मैं तो ठीक हूँ। आज फिर से तू फ्री है? हाँ, टाइम मिला अभी तो कर लिया मैंने भी। और बताओ, खाना वाना हो गया? हाँ, आज तो वर्मा जी की यहाँ पार्टी थी ना, तो वही खाना खा कर आए थे हम लोग तो। अच्छा, वर्मा जी के घर पे पार्टी थी, क्या क्या खिलाया? मैम मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवानी है। उनका तो हमेशा से ही खाना खराब रहता है। मैंने तो एक बार उनके शाही पनीर से बाल निकाला था एक। अरे यार, इसको भी अभी गप्पे मारनी है। वो वक्त, मुझे तो उस टाइम उल्टी आने वाली थी, बस क्या बताऊं। अरे मैडम सुनिए ना, कितनी देर से आपने मुझे रोक कर रखा है, बाद में बात कर लेना। जरूरी बात कर रही हूँ, जरूरी है कुछ। अच्छा बताइए, क्या काम है? हजार बार बता चुका हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है मुझे। ओफो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है? तो आप एक काम करो, गोपाल जी के पास जाओ, वो बनवाएंगे। चलो ठीक है मैम। अरे वाह, आज तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी दफ्तर में इतनी जल्दी काम होने वाला है। आप ही मिस्टर गोपाल हैं? हाँ मैं हूँ गोपाल। सर मुझे ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आप ही बनाते हैं ना ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं बनाता, वो तो ठाकुर जी बनाते हैं, उनके पास जाओ। लेकिन सर मैम ने तो मेरे को बोला कि गोपाल जी बनाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, आप बोल रहे हो ठाकुर जी बनाते हैं। अरे यार, पता नहीं कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। अरे भाई यहाँ तो ऐसे काम होता है, सरकारी दफ्तर है। अरे मैडम आपने तो कहा था कि गोपाल जी बनाते हैं लाइसेंस, लेकिन गोपाल जी के पास गया तो वो कह रहे ठाकुर जी के पास जाओ। अरे मैडम कौन बनाता है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो बता दो। तुम ना एक काम करो, अशोक सर के पास जाओ, वो करवा देंगे। अशोक सर ने भी नहीं बनाया तो? हाँ तो वो शायद यही बोलेंगे कि किशोर सर के पास चले जाओ, तो तुम उनके पास चले जाना। अरे मैडम बनाता को है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, यही तो पूछ रहा हूँ, यही बता दो। रुक राधा रुक जाओ, एक मिनट रुक। असल में वो ड्राइविंग लाइसेंस तो मैं ही बनाती हूँ, लेकिन अभी ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं अपनी प्यारी नंद राधा से बात कर रही हूँ। अरे तो मुझे पागल समझ रखा है क्या? शक्ल से ही तो दिखता हूँ पागल, हूँ नहीं। इतनी देर से क्यों नहीं बता रही थी कि तुम ही बनाती हो ड्राइविंग लाइसेंस? मैंने सोचा कि मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ, तो थोड़ा तुम्हारा भी टाइम पास करा दूँ। वाह क्या बात की है मैडम, अब नहीं बनवानी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस, मैं तो साइकिल ही चलाऊंगा। ये लीजिए सर, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, जो जो आपने कहा था ना वो सब है इसमें, लीजिए। जाइए, पहले आधार कार्ड लेकर आइए, फिर होएगा एक काम। बिना आधार कार्ड के नहीं बनेगी बात, आधार कार्ड लेकर आइए। ये लीजिए सर आधार कार्ड, अब तो ठीक है ना? अब ये फिर से कोई और कार्ड ना मांग ले। अरे बहन जी, आप अपना पैन कार्ड नहीं लाई हैं? पहले पैन कार्ड लेकर आइए, तभी बात बनेगी। जाइए पैन कार्ड जरूर लेकर आओ। ये लीजिए सर आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी, अब और कुछ तो नहीं बचा? अरे अरे, आप वोटर आई डी कार्ड लाने तो भूल गई। रुकिए आप, मैं आपको एक लिस्ट बना कर दे रहा हूँ, वो सारे कार्ड आप ले आइए। आधार कार्ड आपने दे दिया, राशन कार्ड लाना है, पैन कार्ड आप ले आए, बिजली का बिल का कार्ड भी लाना है, घर में जितना ATM कार्ड है सब ले आइए। आपकी शादी हो गई है तो शादी का कार्ड भी ले आइए, ले लीजिए सारे कार्ड ले आइए, तब आपका काम होगा। अरे सर, पहले तो आप पान थूक कर बात करो मुझसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा इसलिए तो हम तुम्हें लिख कर दिए हैं, कमाल की बात है, बोल रहे हो पान थूको पान थूको, 20 रुपए का एक पान आता है, लाए हो क्या आप हमारे लिए पान? पान थूको ये कार्ड देख रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, हमने सब सही लिख दिया, जाओ आप। एक काम करिए सर, आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स मैं अकेले कैसे उठाकर लाऊंगी, जी आपकी भी तो हेल्प चाहिए होगी ना। चलिए चलिए साथ चलिए मेरे अब। अरे कैसी बात कर रही है मैडम, फटे आ गई हो क्या? हम कोई लेबर थोड़ी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार की कमाई खाते हैं। बड़े है सरकारी कर्मचारी। क्या जोक है। ये व्हाट्सएप पे भी ना इतने अच्छे अच्छे जोक्स आते हैं कि पूरा का पूरा दिन ही अच्छा जाता है। एक बार अगर कोई पढ़ ले तो बस। हंसी नहीं रुक रही। हाँ हाँ बोलिए, क्या वो बैठी बैठी पहले बैठी।
अरे मैडम, मेरा तो काम आपने अपने आलस की वजह से अटका कर रखा हुआ है। अरे आप बताइए ना, कौन सा काम आपको रुका हुआ है? वो जो मैंने आपको अपने पेपर्स दिए थे ना, वो आपने अब तक अपने मैनेजर से साइन भी नहीं करवाए, इतने दिन हो गए उसे। अरे मैडम, एक महीने से मैं इधर चक्कर लगा रहा हूँ रोज पागलों की तरह, अब तक उस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। अरे अरे ऐसी बात नहीं है, असल में वो मैनेजर साहब है ना, वो अभी न्यूयॉर्क गए हुए अपनी फैमिली के साथ, तो बस इसलिए आपका काम रुका है, और तो कुछ भी नहीं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर वो ही नहीं है, वो ही छुट्टियाँ मना रहे, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब आप ही देखिए, फैमिली के साथ गए हैं तो लंबी छुट्टी के लिए ही गए होंगे, मजे कर रहे हैं वो तो। मैडम कितना अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, झूठ भी इतना बढ़िया बोल लेती हो, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, नाइस। नहीं नहीं, सच में मैनेजर यहाँ नहीं है। बस मैडम इतना झूठ मत बोलो, मैंने कल ही देखा था आपके प्यून को, आपके मैनेजर के लिए चाय लेकर जा रहा था वो। वो प्यून तो बहुत झूठा है, वो तो झूठ बोलता रहता है, और उसको तो वैसे भी मुझसे प्रॉब्लम है। अब आप खुद देख लो, सब चाय पी रहे हैं, लेकिन मैं नहीं पी रही, क्योंकि उसने मुझे लाकर ही नहीं दी। आपको एक और मौका दे रहा हूँ, कल तक मेरा साइन हो जाना चाहिए, अगर ऐसे ही चलता रहा ना मैडम, पूरा साल निकल जाएगा, साइन कब होंगे मेरे पेपर पे? आप ये पेपर सही पर छोड़ दो, मैं करवा दूंगी। मैनेजर न्यूयॉर्क से आए या ना आए, आपका सिग्नेचर जरूर हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, और मुझे मेरे पेपर पे साइन मिलने चाहिए। सर, अरे सर सुनिए, ये तो सोने में लगे हुए हैं। अरे सर सुनिए ना। हाँ जी मैडम, क्या हुआ? सर आप लोगों ने मेरे टेलीफोन का कनेक्शन अभी तक नहीं लगाया, जबकि मैंने तो टेलीफोन का बिल भी पे कर दिया है, फिर भी अभी तक हमारा कनेक्शन नहीं आया। क्यों, आखिर क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए सर, मुझे इसका जवाब चाहिए, आखिर क्यों नहीं आया अभी तक? जवाब चाहिए आपको? नहीं जवाब चाहिए तो सुनिए, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ ना, वो कोई आम कुर्सी नहीं है, वो सरकारी दफ्तर की कुर्सी है। अगर आपको हमसे कुछ काम करवाना है तो कुछ देना पड़ेगा। वैसे क्या देना पड़ेगा, मैं कुछ समझी नहीं, थोड़ा डिटेल में बताइए ना। अरे मैडम, नोट, पैसे और क्या। वैसे तो मैडम आप समझदार दिखती हैं, समझ ही गई होंगी मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा हमें भी चाय पानी के लिए खर्चा चाहिए होता है। ओहो, समझ गई मैं, तो साफ साफ आपको पहले ही कहना चाहिए था ना कि पैसे चाहिए, इतना घुमाकर क्यों कहा? इतनी देर तक मैंने यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया अपना, ये बात अगर आप मुझे पहले बोल देते तो मेरे टेलीफोन का कनेक्शन कब का वापस आ गया होता। रुकिए रुकिए, दे रही हूँ अभी, ये लीजिए, और मेरा कनेक्शन जल्द से जल्द वापस करिए। वैसे एक बात कहूँ मैडम, पैसे लेना बहुत बुरी बात है मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ मैडम, बुरे हैं हम तभी तो जी रहे हैं, अगर अच्छे होते तो लोग जीने कहाँ देते। पैसे लेने के बाद ना आप इतना ज्ञान मत बांटो, अच्छा नहीं लग रहा। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा काम हो जाएगा ना? अरे दिक्कत मत लो मैडम, 20-25 दिन में आपका कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या 20-25 दिनों में? अरे मेरा मतलब 20 मिनट में, आप जैसे ही घर पहुंचोगे, आपसे पहले आपका कनेक्शन आपके घर पहुंच जाएगा। नहीं आए ना तो ये 500 रुपए जो मैंने दिए है ना, वो मैं खुद ही लेकर चली जाऊंगी, समझ गए ना? चिंता मत करो, पहुंच जाएगा। ये पैसे लिए बिना तो एक काम नहीं करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल बटन पे भी आप क्लिक करिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो ये थी हमारी कोलैबोरेशन वीडियो, और इसे करने में हमें बहुत मजा आया, और आप योगेश कथुरिया के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस मुझे भी अच्छा लगा समरीन के साथ काम करके, समरीन के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो पर मैं एम करती हूँ 70,000 लाइक, तो प्लीज अभी के आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि 70,000 का एम पूरा हो जाए, और आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।